सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। इतनी कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी में बहुत ही ऐतिहासिक पानी बरस रहा है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेंट लगा है उसमें पानी घुस गया है और चारों तरफ से हम लोग बहुत ही इस समय देखिए हमारे सभी भिक्षु बैठे हुए हैं। आज हम लोग रात में सो नहीं पाए और अभी हमने तिरपाल मंगा के पानी बरसात में हम लोगों ने तिरपाल मंगा करके पूरा सही किया है और आप देख सकते हैं कि मैं लगातार आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कितना पानी बरस रहा है और इस बरसात में भी हमारे कुछ ये देखिए हमारी बस खड़ी हुई है। ये देखिए पूरा हमारी पानी बरस रहा है। कितनी तेज सब लोग बढ़िया कितनी तेज पानी बरस रहा है आप देखें। बारिश बहुत अच्छी हो रही है। इस बरसात में भी हमारे किसान भाइयों का मनोबल नहीं टूटा, साहस नहीं टूटा। हम जब तक इस तानाशाही सरकार को झुका नहीं देंगे हम लोग यहाँ से वापस अपने बुद्ध विहार आने वाले नहीं हैं। आप देखिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग इतनी कड़ाके की सर्दी में संघर्ष कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, किसानों के लिए। बिल्कुल सही। ये देखिए हमारे बौद्ध भिक्षुगण बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं हम लोग बराबर बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें, मस्त रहें। मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर आपकी थोड़ा आंखों में शर्म का पानी बचा हो तो आप भी किसानों का साथ दें। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, भारतीय संविधान की सुरक्षा का आंदोलन है और ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। अगर किसान युद्ध हार गए तो फिर हम लोग कभी युद्ध लड़ने लायक नहीं बचेंगे, यहाँ तानाशाही थोप दी जाएगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ आप सभी लोगों से कि जहाँ आप हैं किसानों का आंदोलन का साथ दें और हम जैसे लोगों का सहयोग करें। बहुत बहुत मंगल कामना। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी बरस रहा है और इस पानी बरस में आकर हमसे एक बात मालूम करूँगा। अभी मैं ये देखिए हमारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग जा रहे हैं, पूरा निगरानी है, पूरा हाई सिक्योरिटी लगी हुई है चारों तरफ से देखें और बहुत ही स्थिति गंभीर है और ऐसी स्थिति में भी हम लोग डटे हैं। और चाहे जितना पानी बरसे और क्यों ना जीरो माइनस हो जाए, माइनस डिग्री सेल्सियस पर हो जाए तापमान, फिर भी हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे और तब तक जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रवण।